प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि PMJDY। PMJDY योजना में आप किसी भी बैंक में बचत खाता किस प्रकार से खुलवा सकते हैं, आपको बचत खाता खुलवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इस खाते के क्या लाभ हैं, वह ये खाता आप ऑनलाइन खुलवा सकते हैं या फिर ऑफलाइन खुलवा सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है, जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। तो ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारे देश के अंदर समय समय पर गरीबों की आर्थिक मदद के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं और उस योजनाओं का बेनिफिट जब तक प्रधानमंत्री जन धन खाते नहीं थे तब तक नकद के रूप में दिया जाता था अलग अलग विभागों के द्वारा। और जब ये योजनाएं सरकार से लाभार्थी तक पहुंचती थी उसके बीच में बहुत सारे स्टेप होते थे और उन्हीं स्टेप के बीच में होता था भ्रष्टाचार और वहाँ पर उन गरीब लोगों का पैसा हड़प कर लिया जाता था। तो उसी समस्या का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत परिवार के कोई भी दो सदस्य एक बचत खाता खुलवा सकते हैं। इस बचत खाते का बेनिफिट ये है कि सरकार के द्वारा जब भी कोई योजनाएं चलाई जाती हैं तो डायरेक्टली बेनिफिट उस खाते में दे दिया जाता है। तो इसीलिए इस योजना को प्रारंभ किया गया, यही इसका उद्देश्य था कि गरीब लोगों के जो पैसे हैं उनकी जेब तक बड़े ही आसानी से पहुँच जाए। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना को प्रारंभ किया गया और इस योजना के तहत बचत बैंक खाते खोले जाते हैं। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना क्यों प्रारंभ की गई, पर योजना क्या है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के क्या क्या बेनिफिट हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस योजना के तहत बचत खाता खुलवाने के बेनिफिट की। दोस्तों इस योजना के तहत अगर आप खाता खुलवाते हैं तो आपको जितनी भी सरकारी योजना है केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है उसका डायरेक्टली बेनिफिट आपको मिल जाता है। इसके अलावा जीरो बैलेंस की जरूरत होती है खाते में, अगर आपको इसको ऑपरेट करना है तो जीरो बैलेंस पर भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इस खाते में अगर आप पैसे जमा रखते हैं तो उसके ऊपर ब्याज भी मिलता है। इसके अलावा इसमें 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा भी आपको दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 30,000 रुपये का जीवन बीमा भी इसके अंदर मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इस खाते के अंदर पैसे स्थानांतरण करना बड़ा ही आसान और बिल्कुल फ्री है। आप NEFT, RTGS या फिर IMPS के तहत फ्री में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर 6 महीने तक आप इस खाते का सफलतापूर्वक संचालन कर लेते हैं तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है, यानी कि आपके खाते में जीरो बैलेंस है तो भी आप पैसे उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको रुपये ATM कार्ड भी मिलता है। तो ये सभी बेनिफिट हैं जो मुख्य बेनिफिट थे जो मैंने आपको बता दिए। तो इस खाते के ये सभी बेनिफिट रहते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो मुख्य बेनिफिट यही थे। दोस्तों अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना में बैंक खाता ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दोस्तों इसके अंदर मात्र एक दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं जिसके अंदर पते व पहचान दोनों का प्रमाणीकरण हो सके। तो इसके अंदर आप संलग्न कर सकते हैं पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड या फिर आप आधार कार्ड संलग्न कर सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट के अंदर पते व पहचान का प्रमाणीकरण हो सकता है। अगर ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप पते का दस्तावेज अलग से लगा सकते हैं और पहचान का दस्तावेज अलग से संलग्न कर सकते हैं। दोस्तों आप कोशिश करें कि आधार कार्ड से ही आप बैंक अकाउंट खुलवाएं अगर आपके पास आधार कार्ड है, इससे इसको ऑपरेट करना आसान हो जाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आपको इसके साथ लगाने होते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बचत बैंक खाता किस प्रकार से खुलवाए। तो दोस्तों सेविंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको मैंने जो डॉक्यूमेंट बताए ये सभी डॉक्यूमेंट लेके आपको बैंक जाना होगा। वहां पर जाके आपको बोलना होगा कि मुझे प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। अब दोस्तों वहां से आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को फिलअप करके आपको वहां पे सबमिट करना होगा। दोस्तों ये सभी फॉर्म हर एक बैंक का अलग अलग होगा, हर एक बैंक का अपना फॉर्म होता है जो आपको देंगे, उसको फिलअप करके आप सबमिट करेंगे और आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप चाहें तो इसका जो मेन पोर्टल है
PMJDY का, वहां पर भी फॉर्म अवेलेबल है, उस फॉर्म को भी फिलअप करके आप दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है उस फॉर्म को लेने के लिए बैंक मना कर ले। तो दोस्तों ये तरीका है इसका बैंक अकाउंट ओपन करवाने का। तो दोस्तों ये था ऑफलाइन प्रोसेस। अब दोस्तों बात आती है ऑनलाइन प्रोसेस की, कि ऑनलाइन प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सेविंग अकाउंट किस प्रकार से ओपन किया जाए। अगर ये सवाल है तो इस सवाल का जवाब है कि ऑनलाइन प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट खोलने के लिए कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मैंने सभी बैंक की जो पोर्टल है उनको विजिट किया, वहां पे इस बैंक अकाउंट को ओपन करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यानी कि आप ऑनलाइन इसका बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। तो ये था दोस्तों इसके अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस। दोस्तों आपको पता चल चुका है कि इसका आप बैंक अकाउंट किस प्रकार से ओपन करवा सकते। एक बार आपने बैंक खाता ओपन करवा लिया, उसके बाद दोस्तों इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं, यानी कि आपने खाता तो खुलवा लिया लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिटेशन है, उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों इस योजना के तहत आपको रुपए कार्ड दिया जाएगा, जो मैंने आगे आपको बताया। दोस्तों यहाँ पे आपको लिमिट होगी, आप दिन में 10,000 रुपए से ज़्यादा ATM से विड्रॉल नहीं कर सकते, यानी कि ATM के अंदर आप 10,000 रुपए से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। दूसरी लिमिटेशन ये है कि इस खाते के अंदर आप जो ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करेंगे वो 10,000 रुपए से अधिक नहीं कर सकते, तो इसकी लिमिटेशन रहेगी। दोस्तों ये थी प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके तहत जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनका सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है किसी भी बैंक के अंदर। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि आखिर किस प्रकार से आप एक बचत बैंक खाता प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना है, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करना है। और इसी तरह के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आने वाले समय में इसी प्रकार के और वीडियो आपको मिल सके। इसके अलावा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।